एवरीवन, माय नेम इज त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास ना मोस्टली यही क्वेश्चंस आते हैं कि अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट किया जाए, इवन इंग्लिश को ठीक से कैसे बोला जाए, अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको कैसे सुधारा जाए, क्या तरीके हैं जिनसे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़ तो एक दिमाग में रॉकेट साइंस का कन्फ्यूजन बनाया हुआ है लोगों ने, वो भी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स, यहाँ पे ये लगेगा वहाँ वो लगेगा, इन सब चीज़ों की वजह से एक बहुत ही बड़ी दिमाग में कन्फ्यूजन बनाई हुई है कि इंग्लिश एक रॉकेट साइंस है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, बचपन से हम इसको सब्जेक्ट के तौर पे लेते आए हैं। लेकिन मैं हमेशा इनक्रेज करता हूँ लोगों को कि इसको सब्जेक्ट की तरह मत देखो, इसको एक लैंग्वेज की तरह देखो। जैसे कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी भी है, कोई बंगाली बोल रहा होगा, कोई गुजराती बोलता होगा, कोई अपनी लोकल लैंग्वेज बोलता होगा, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो डेफिनेटली आपको कोई तो लैंग्वेज आती है, ठीक है। अगर इंग्लिश भी नहीं आती है, कोई तो लैंग्वेज आती है ना। अब आप उसी लैंग्वेज में क्या, आपसे मैं अगर ये पूछ लूँ कि इसकी इसमें इस वाले बात में नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, इसके रूल्स मुझे बताओ, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें उस बात में नहीं पता चलेंगी। इसका इसमें हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स क्या हैं, तो वो नहीं पता होती हैं, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें बेकार की, नाउन प्रोनाउन नहीं, बेकार की नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी तरीके से अगर आप सीखना चाहोगे तो वो बहुत प्रॉब्लम करेगा। आप लिख लोगे सही, आप गलतियाँ सही निकाल लोगे कि मतलब कि इसमें ये गलती है, लेकिन जब बोलने की बारी आएगी ना तो आप दिमाग में कैसे बनाओगे उस चीज़ को कि यहाँ नाउन लगेगा, यहाँ प्रोनाउन लगेगा। तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में मैंने देखा है सिर्फ इस चीज़ की वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, नॉर्मल जॉब्स में स्पीकिंग स्किल्स ना होने की वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कॉन्फिडेंट ही नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील ही नहीं करते हैं, तो आगे कुछ नहीं कर पाते। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर मैं बात करूँ इनके सॉल्यूशन पे कि इनका सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सा सॉल्यूशन है, सीरियसनेस और फोकस, सिंपल सा। प्रॉब्लम यह है कि आपने एक चीज़ आज वीडियो देखी या फिर कहीं से कुछ सीखा, उस चीज़ को आप अपनी कन्वर्सेशन में इंक्लूड करेंगे ही नहीं और उसको भूल जाएंगे दो दिन के बाद। यहाँ से वोकैब जो है वो आपकी वीक होती जाती है, आपके स्ट्रक्चर्स वीक होते जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में ही नहीं आ रही वो चीज़। मैंने आपको कोई एक चीज़ सिखा दिया, फिर आपने कहीं से कोई चीज़ सीख ली, अगर आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, बोलेंगे ही नहीं, सीखेंगे कैसे, हमें हमारी लैंग्वेज कैसे बोलनी आई, हम बचपन से बोलते आ रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन बोला, चार दिन छोड़ दिया, फिर पांचवा दिन बोल रहा हूँ, फिर मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो गया या फिर फ्लुएंट हो गया, ऐसा नहीं है। हम बचपन से ही बोलते आ रहे हैं, जब से छोटे से हैं तब से ही बोलते आ रहे हैं। पहले टूटी फूटी बोली, गलत सलत बोली, कुछ वर्ड्स के बारे में पता चला, उन वर्ड्स को यूज़ किया, फिर उनको बोला, और एक टाइम आ गया कि हम अपनी नॉर्मल हिंदी या फिर कोई भी आपकी लोकल लैंग्वेज जो भी है, हम उसको बोलने में कंफर्टेबल हैं, विदाउट थिंकिंग कि इसमें रूल क्या लगा है, ये कौन सा इसमें हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मॉडल है, विदाउट थिंकिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो अगर आपको इंग्लिश में भी ऐसा लगता है ना कि हमें ये चीज़ सीखनी होगी, कि मतलब कि इन चीज़ों को ही इम्प्लीमेंट कर करके ही हमें बोलनी आएगी, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। सिर्फ ये है कि हाँ, उस चीज़ को अपने जो बोलने की जो प्रोग्राम है, जिसको प्रोसेस है, उसको थोड़ा इजी करने के लिए आपका अब माइंड डेवलप है कि हाँ, आप कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हो और आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल से आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको लगाइए, लेकिन सिर्फ उन पर ही डिपेंड मत रहिए, ठीक है। उनको लगा के जब आपको बोलना आ जाए तो आप सिर्फ बोलने पर ध्यान लगाइए, उनको फिर साइड में रख दीजिए कि मुझे समझ में आ गया कि मुझे इस मॉडल ने एक रास्ता दिखा दिया, मुझे सेंटेंस बनाना बता दिया, अब मैं उसको सेंटेंस की तरह लूँगा, ठीक है। मुझे किसी ने बचपन में नहीं बताया था कि लड़के के लिए वह बोलो और वह जाता है, ठीक है। अगर किसी ने मुझे एक बार ये बताया भी है कि वह जाता है और वह लड़के के लिए बोलते हैं, तो मुझे समझ में आ गया तो राम भी जाता है, श्याम भी जाता है, मोहन भी जाता है, लेकिन सीता नहीं जाता है, तो मुझे ये समझ में आ गया क्योंकि लड़का नहीं है। तो मैंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में लगाया और अपना उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए बाकी चीज़ों को मैंने बोलना शुरू किया और बोलने पे ध्यान लगाया, ठीक है, ना कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा जो भी आप सीखते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको अपनी गलतियों का पता होना चाहिए। ऐसे लोग भी हैं, मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि जो बहुत मतलब फ्लुएंटली बोलते हैं, बहुत तेज़ बोलते हैं, लेकिन इतनी मिस्टेक्स के साथ बोलते हैं कि
मैं बता भी नहीं पाऊंगा उनको, भाई तूने ये मिस्टेक कर दी, ठीक है, वो इतनी तेजी से बोल जाएंगे लेकिन उसमें कई मिस्टेक्स होंगे। रीजन क्या है कि जब वो धीरे धीरे बोल रहे थे, बोलते होंगे मिस्टेक्स के साथ, तब उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, और किसी ने उनको सही भी नहीं किया तो उनको ये लगा कि हम तो सही बोल रहे हैं, और तब वो उस गलत को ही बोलते बोलते बार बार उसको रिपीट करते करते वो गलत ही बोलने लग गए। इस चीज़ का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं नॉर्मल कॉल सेंटर्स में, ठीक है, जहाँ पे जो मतलब कॉलिंग का जिनका काम होता है, बोलने का काम होता है, वो बहुत तेज बोलते हैं। अब वहाँ पे भी दो तरह के लोग मिलेंगे, एक जो बहुत तेज बोल रहे हैं लेकिन गलत सलत बोले जा रहे हैं, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। सेकंड जो हमें इम्प्रेसिव लगते हैं, जो अच्छा भी बोल रहे हैं, तेज भी बोल रहे हैं और फ्लुएंटली बोल रहे हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो बहुत कम है या फिर नहीं भी है, क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर्स आप यूज़ कर सकते हो, यू डोंट हैव टू यूज़ टिपिकल या फिर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, आपको वो चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल बात को सिंपल तरीके से बोल सकते हैं। जब आप सिंपल तरीके से बोल बोल के उस चीज़ में थक जाए कि ठीक है ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया और मैं इसमें कन्वीनियंट भी अभी हो चुका हूँ पूरा ठीक से, और इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं है, तो मुझे इसको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा, तब आप उसको थोड़ा घुमा सकते हैं स्ट्रक्चर को, अपने अपनी पिच को, अपनी स्पीच को, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था कि आपको पहले धीरे धीरे जब बोलते हैं ना, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि क्या मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस पर कॉन्फिडेंट होने के बाद ही उस चीज़ को अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन में इंक्लूड कीजिए, ठीक। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, और ये आप फॉलो कीजिए, मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आएंगी चीज़ें, आपकी स्पीकिंग स्किल्स सही होगी, और जितना टाइम हो सके उतना टाइम बोलिए, कोई भी नहीं है आपके पास, अपने आप से बोलिए, कुछ भी नहीं है आपके पास, आप कोई गाना ले लीजिए, मूवी की और मूवी के डायलॉग्स ले लीजिए, आप उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने आप को जितना आप बिजी रखोगे, उस माहौल में रखोगे, उतना आपके लिए ईजी होगा और उतना ही आप सही तरीके से बोल पाएंगे और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो ये था आज के लिए, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, सो कमेंट बॉक्स इज देयर, डू लेट मी नो अबाउट योर डाउट्स एंड क्वेरीज। कुछ है पॉइंट या फिर कोई क्वेश्चंस है यू वांट मी टू मेक वीडियोस ऑन, आप वो पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू मेक एज सून एज पॉसिबल। नए हैं वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आई हो तो। थैंक यू।